चलिए बात करते हैं आपस क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के नाम, सूत्र, ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी संरचना की। यहां पास हम लोग पढ़ेंगे जो कि सबसे पहले तो ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ऑक्सी एसिड क्या होता है। तो चलिए यहीं से डिफिनेशन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, हम लोग क्लोरीन के ऑक्सी एसिड। तो सबसे पहले तो यहां पर दिया गया है आखिर ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सी एसिड सिंपल सी बात है, ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसा पदार्थ जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन क्या है डोनेट करे, तब उनको क्या बोलते हैं हम लोग एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन अगर डोनेट करे तो क्या बोले हैं उनको एसिड कहा जाता है। हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट करने से एसिड बनता है, और उस एसिड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, इस तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंस हो और उस ऑक्सीजन में क्या रह जाए, इस तरह से हाइड्रोजन रह जाए जो कि डोनेट होने वाला हो, तब इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा, इस तरह से जो पदार्थ बनेगा उन्हीं को बोला जाएगा ऑक्सी एसिड। बात करने वाले हैं हम लोग यहां पास जो कि हैलोजन के ऑक्सी एसिड। हैलोजन के ऑक्सी एसिड लिख दें यहां पास, हैलोजन के ऑक्सी एसिड, हैलोजन ऑक्सी एसिड। देखिए ऑक्सी एसिड हैलोजन की अगर बात कर ले तो क्या है, जिस पर ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन हो गई, और उनके साथ ही साथ इस जगह में क्या रहेगा, हैलाइड जुड़ा रहेगा, तब उनको बोला जाएगा हैलोजन के ऑक्सी एसिड। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड क्या है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्लोरीन रह जाए, तब इस तरह से जो कंपाउंड है उनको बोला जाएगा ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, या फिर कह दे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोराइड। तो इस तरह से क्लोराइड के ऑक्सी एसिड क्या रह गया कि अगर किसी भी क्लोराइड पर ऑक्सीजन के साथ पर हाइड्रोजन डोनेट होने के लिए रह जाए, तब उनको क्या बोला जाता है, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड कहा जाता है। और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की अगर बात कर ले तो कितना हो सकता है, अगर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर जितना ही हो सकता है वही उनकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ही उसके ऑक्सी एसिड होगा। एग्जांपल देखते हैं, अगर क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, जिसे क्या लिखा जाएगा 2, 8 और इस तरह से 7, और इन 7 की बात कर ले तो इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा 3H2 और 3P5 और लास्ट में रह जाएगा 3D, हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या है उस पर 0 है। अगर s ऑर्बिटल की बात कर ले, चाहे p ऑर्बिटल की बातें कर ले, या फिर देख लेंगे यहां पर d ऑर्बिटल। देखिए s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 और 2, p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन है वह +1 ऑक्सीडेशन नंबर देता है। अगर इस क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल है क्या वह एक्साइटेड होकर d में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहां पर चले जाएगा, क्योंकि भाई इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है d ऑर्बिटल पर चले जाए। तो चलिए d ऑर्बिटल पर चले गए और अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 रह गए, तो इस बेस पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी रहेगा। क्या अभी भी इस p ऑर्बिटल का या s ऑर्बिटल का क्या d ऑर्बिटल में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और आ गए अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और इस तरह से 5, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकते हैं, +5 भी हो सकते हैं, एक और जा सकता है यहां पास, तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, +3, +5 और +7। तो इसी तरह से +1, +2, +3, +1, +3, +5, +7 यही इनकी ऑक्सी एसिड बनाएगा। देखिए अब ऑक्सी एसिड की बात करें, ऑक्सी एसिड में जब भी हम लोग एसिड पर नॉर्मल क्लेचर किया जाएगा तो क्या करेंगे, नॉर्मल क्लेचर करने के लिए उस पर तो हम लोगों को सफिक्स जोड़ना पड़ेगा, और सफिक्स से क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो उस पर अस जोड़ा जाएगा या फिर उस पर इक जोड़ा जाएगा, क्या बोले अस या फिर इक। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो
तो एक जोड़ेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो हो तब उस पर अस जुड़ा जाएगा। अब यहां से क्या बोल देंगे, इनको क्या है ऑक्सीडेशन नंबर लो बोला जा सकता है, लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या आ जाएगा अस जोड़ेंगे इसके सफिक्स पर। और वैसे प्लस फाइव प्लस सेवन हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो उनको क्या लिखा जाएगा टिक जोड़ा जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा गया है सबसे पहले नंबर पर फार्मूला देखें HClO, इनका नाम जो कि हाइपोक्लोरस, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर अस लिखा गया, देखते कैसे है। सेकेंड नंबर पर है क्लोरिक क्लोरस एसिड HClO2, वैसे ही थर्ड नंबर पर क्लोरिक एसिड HClO3, फोर्थ नंबर पर परक्लोरिक एसिड HClO4। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन है, क्या क्या नाम बोले हम लोग एक बार और रिवाइज करें, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और चौथे नंबर पर क्लोरिक एसिड, चार तरह से ऑक्सीडेशन दे रहे हैं। और ऑक्सीडेशन की फार्मूला क्या है, HClO, HClO2, HClO3 और चौथे नंबर पर HClO4 हो जाता है। अब देखें इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इनमें हम लोग मैथमेटिक्स किए थे उनके आधार पर देखें या फिर इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, दोनों के आधार पर देखा जा सकता है। इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट नंबर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, HClO इस तरह से क्या है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फार्मूला लिखे थे हम लोग, क्लोरीन का निकालना है तो फिर हाइड्रोजन का होता है प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू और मल्टीप्लाई कितने के साथ वन के साथ, और यहां पर लास्ट में जीरो रह गए, क्या हो जाएगा यहां से एक बज गया, और यहां से प्लस कर दे यहां से तो प्लस किए तो क्या बन गया एक से रह गया, और ये रह गया माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू बाहर निकाल दिया जाए तो टू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर वन, इस तरह से प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर रह गया। क्या बोले हाइपर जो हाइपोक्लोरस एसिड है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, बिल्कुल प्लस वन है। अगर इनकी स्ट्रक्चर देखिए तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, इस तरह से क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से यह ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे हुआ है। इनको देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है माइनस वन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है माइनस वन, इनका प्लस वन और इनका भी क्या है इस जगह में प्लस वन हो गया भाई, इनका प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर दिखा कि नहीं, क्लोरीन का प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा वैसे ही अगर बात कर ले इस क्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इनकी स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते, उससे क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा जाता है जिससे उसकी स्ट्रक्चर बताया जा सकता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बताने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन का जो यहां पर ट्रिक है लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक क्या बनाए थे भाई, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उन पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसी को क्या बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर आएगा उनके आधार पर उनकी हाइब्रिडाइजेशन आएगा, अगर इन दोनों को एड करते दो आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तीन रह जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चार रह जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह से आगे और भी बनाया जा सकता है ये रहता है हाइब्रिडाइजेशन। इस क्लोरीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग है ना, या फिर कह दे हाइपोक्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इस ऑक्सीडेशन नंबर को अगर लिख रहे हैं उसको मिटा दे तो देखो क्लोरीन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल पर, सात इलेक्ट्रॉन बताए गए थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर एक दो तीन चार पांच छह और एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ पार्टिसिपेट कर दिए, वही होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है इस पर देखिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री, थ्री टोटल आ गया फोर, और फोर आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएं ये लोग लिखे sp3, ये लोग है sp3 रह गए। अब उसके साथ ही साथ जब sp3 बनाए हैं तो इसकी भाई स्ट्रक्चर क्या रहेगा, sp3 में तो वैसे स्ट्रक्चर इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है, बट यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन रह गए हैं, एक दो और तीन लोन पेयर रह गए, तो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है इस तरह से लीनियर।
तो ये स्ट्रक्चर बना देता है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। ये लो लीनियर स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो यहां से हाइपो जो क्लोरस एसिड है वह समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट बात कर ले और भी देखते हैं यहां पर सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या दिया गया है यहां पर क्लोरस एसिड। तो क्लोरस एसिड की फार्मूला सेकंड नंबर लिख दे HClO2 में अगर बात किया जाए इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमको क्या दिख रहा है ये है -2 और -2 दो बार है तो कितना हो गया जो कि -4 हो गए और हाइड्रोजन +1 दिख रहा है यहां से एक घट गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह गया +3 आ गया। कैसे एक बार और देख ले +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह गया +3 रह गया। कैसे है देख लो एक बार है ना फार्मूला के अकॉर्डिंग इनका होता है 1 प्लस क्लोरीन का निकालना है प्लस इनका है -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना रह गया 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह गया +3 इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जैसे ही इनके ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए फार्मूला भी निकल गया नेम भी निकल गया अब बचता है इनकी स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर क्या होगा इनका स्ट्रक्चर के लिए फिर से वही आ जाए हम लोग क्या पढ़ा है अभी इसकी स्ट्रक्चर बना दो। पहले तो क्लोरीन सेंट्रल एटम है एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन यहां से ये लो दो ऑक्सीजन रखते हैं। जैसे दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के साथ इधर से एक हाइड्रोजन आ गए कि नहीं एक हाइड्रोजन आ गए। अब देखो क्लोरीन की वैलेंस कितने बॉन्ड में होता है क्लोरीन की वैलेंस कितने बॉन्ड में होता है हो सकता है 7 बॉन्ड हो जाए 1 बॉन्ड हो जाए 3 हो जाए या फिर हो जाए 5 हो जाए। और ऑक्सीजन की कितने बॉन्ड में उनकी वैलेंस होता है 2 बॉन्ड पर होता है। तो ऑक्सीजन एक दो ऑक्सीजन एक और दो है लेकिन एक ऑक्सीजन ये लो ये भी दो हो गए। अब देखो क्लोरीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 इस तरह से। इन पर देखे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और 2 रह गए और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और 2 हो गए हैं। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पास जो कि 2 और 2 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मतलब कितना हो गया 2 और 2, 4 हो गए। जब भी 4 रह जाए मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। अब जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना है तो इनकी शेप कैसे दिख रहा है हालांकि ऐसे बना दिए लेकिन वाजिब में तो यह है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गया है तब क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उनकी जो बॉन्ड है वह थोड़ा जो कि प्रतिकर्षित हो जाता है। तो एरो स्ट्रक्चर और क्या बना लिया इनकी शेप जो कि बेंट से बना लिया एरो बेंट हो गए। थर्ड नंबर पर देखें थर्ड नंबर इस तरह से लिख दें यहां पर थर्ड नंबर क्या है यहां पर क्लोरिक एसिड क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है भाई इस तरह से क्लोरिक एसिड है उसका फार्मूला है जो कि HClO3 रह गए। HClO3 में अगर बात कर ले तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको कितना दिख रहा है इनका होता है -2 + 3 - 2 × 3 = 6 हो गए 1 प्लस है माइनस हो गए मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इनका +5 हो गया। अब +5 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इनकी स्ट्रक्चर देखने पर एक हो गया यहां पर क्लोरीन है इधर जो कि ऑक्सीजन है 3 बार और हाइड्रोजन कितना है 1 मॉलिक्यूल से ये लो हाइड्रोजन रह गया 1 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन से होता है बोले यहां से और क्लोरीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 होता है कितने 7 रह जाता है होता है कि नहीं 7 हो जाता है 7। अब 7 हुआ है तब इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बिल्कुल है क्या है यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 बार है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बार है 3 बार है 1, 2 और 3 बार। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिपल करेगा रिपल जैसे ही करेगा स्ट्रक्चर यहां से थोड़ा झुक जाएगा या फिर कह दे थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या दे दिया इनकी अगर बात कर ले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला देखो यहां से दोनों को जोड़े तो 4 हुआ तो स्ट्रक्चर क्या बन गया sp3 बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बना लिया
स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे ही बात करें चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या है लिख दो, परक्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड लिख दो, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HClO4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह जाएगा यहां से अगर देखें तो यहां पर चार दुनी आठ एक गया तो यहां पर कितना हो गया +7 ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बातें करें तो क्लोरीन इस जगह में है साथ में चार जो कि ऑक्सीजन रह गए हैं, ये लोग चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लिया है, बाकी में बैलेंस कितना होने के लिए दो दो बॉन्ड रह गए। इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिगार्डिंग की हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है यहां पर, इस पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार है और चार है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रह गया और sp3 है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा पेयरिंग फॉर्म पर है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर रेगुलर स्ट्रक्चर बनाएगा और इनकी स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा। तो यह रह जाता है उनकी स्ट्रक्चर और उनकी साथ ही साथ पर उनके फार्मूला। फर्स्ट नंबर देख ले इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यहां से लिनियर बनाएंगे। सेकेंड नंबर पर क्या बनाए हैं, जो HClO2 है उनकी स्ट्रक्चर जो कि बेंट शेप बनाए हैं। उनके बाद क्या बनाए हैं क्लोरिक एसिड पर जो कि ट्राइगोनल बनाए गए हैं या फिर कह दे पिरामिडल बनाए गए हैं, पिरामिडल भी बोला जाता है इनको। और यही बात बात कर ले इस तरह से परक्लोरिक एसिड की, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनाया गया है। अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताइए जो क्लोरीन है या फिर कह दे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की अम्लीय गुण बताओ। तो अम्लीय गुण बताने के लिए क्या किया जाता है, ट्रिक लिख लो यहां पर एसिडिक नेचर बनाने के लिए। जो ट्रिक क्या होता है एसिडिक नेचर के लिए, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उनकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होता है। ये लो ट्रिक बना लिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है, इनका ज्यादा है +7, मतलब क्या हो जाएगा इनकी अगर लिखा जाए तो एक क्रम लिख दे तो पहला क्या नंबर हो जाएगा HClO4, उससे कम HClO3, उससे कम एसिडिक नेचर HClO2, उससे कम HClO, इस तरह से एसिडिक नेचर जो कि ऑर्डर क्या होते जा रहा है, जो कि घटते जा रहे हैं। एसिडिक नेचर कब घट रहा है, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होते जा रहे हैं। तो अब यहां पर एक और चीज है, जो परक्लोरिक एसिड है वह बहुत ही खतरनाक होता है, अगर उसको किसी भी धातु के संपर्क में अगर रख दिया जाए तो क्या तुरंत से रिएक्शन करता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको किसी भी एसिड का जो या कहें किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराने से बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। क्या बताएं हम लोग एक बार और रिवाइज कर लो कि जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन चार होता है +1 +3 +4 sorry +5 +7, इस तरह से ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पहला नंबर पर हाइपोक्लोरस एसिड, सेकेंड नंबर पर क्लोरस एसिड, थर्ड नंबर पर क्लोरिक एसिड, फोर्थ नंबर पर परक्लोरिक एसिड, फर्स्ट और चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रह गए। फर्स्ट नंबर जो HClO रहता है वह बनाता है लिनियर, सेकेंड नंबर HClO2 रहता है वह बनाता है जो कि बेंट शेप, थर्ड नंबर HClO3 होता है वह बनाता है ट्राइगोनल या फिर कह दे पिरामिडल बनाता है, फोर्थ नंबर HClO4 जो कि क्या बनाता है टेट्राहेड्रल बनाता है। यह रह गया उनकी स्ट्रक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।